अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट फयाज़ अहमद लंजवानी और आप देख रहे हैं लंजवानी टेक चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। यूट्यूब की ये अपडेट आई हुई है कि आपको आपके चैनल के ऊपर अब एड आना स्टार्ट कर देंगे, इवन अगर आपके चैनल के सब्सक्राइबर पूरे हैं या नहीं हैं। आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बावजूद भी आपको ऐड जाएंगे, अगर आपके चैनल पे सब्सक्राइबर पूरे नहीं हैं तो भी आपको आपके चैनल के ऊपर एड्स दिखाई देंगे। कुछ वजूहत हो सकती हैं कि आपके चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइबर और वॉच टाइम का जो टेन्योर है वो पूरा होने के बाद आपको एड्स शो होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तीन ऐसी रीज़न हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको आपके चैनल के ऊपर एड्स दिखाए जाते हैं। एक तो आप किसी और का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप कंटेंट इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से उस बंदे को रेवेन्यू जाती है, उसके अगेंस्ट उसको जो एड्स हैं वो शो करवाए जाते हैं आपको, लेकिन रेवेन्यू उस बंदे को जाती है, इस वजह से आपको एड्स आते हैं। और दूसरी मेन वजह ये हो सकती है, या तो आपका चैनल मोनेटाइज्ड है, यानी कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको एड्स स्टार्ट किए जाते हैं या आपको आपके चैनल के ऊपर एड्स जो है ना दिखाए जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आप किसी MCN नेटवर्क को आपने ज्वाइन किया होता है, उसके बावजूद आप उसकी वजह से आपको एड्स दिखाए जाते हैं। लेकिन तीसरी जो मेन वजह ये है कि आपको यूट्यूब की जो न्यू अपडेट आई हुई है जिसकी वजह से ये आपको एड्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 2021 से जो है ना यहाँ पाकिस्तान में लागू कर दी जाएगी। अभी जो है ना इंडिया और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में ये काम स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों ये यूट्यूब जो है ना ये अपडेट लेके आया है, क्या वजह हो सकती है, क्या हम उसके ऊपर या हमें कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्या है? हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, यूट्यूब को भी फ़ायदा होगा, वो हमारे अपने जो एड्स हैं हमारे चैनल्स के ऊपर चलाएगा, लेकिन उसकी जो रेवेन्यू है वो उसको खुद रखेगा। आपको पता है कि जब हमारे चैनल्स के ऊपर जो हमारे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम हम गेन कर लेते हैं तो हमें यूट्यूब उसका जो रेवेन्यू का 45% जो है ना खुद रखता है और 55% हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन इन वीडियोस का जिनके ऊपर हमारा सब्सक्राइबर और वॉच टाइम का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, वो अगर उसके ऊपर अपने एड्स चला रहा है तो हमें उसके अगेंस्ट कोई भी रेवेन्यू नहीं देगा। तो दोस्तों, दोबारा वादे कर दूं कि आपके चैनल के ऊपर अब 2021 के बाद या नवंबर दिसंबर के बाद अगर आपके चैनल पे ऐड स्टार्ट हो चुके हैं तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप इससे अर्निंग कमाएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ YouTube की तरफ से अपडेट है कि हम अब तमाम उन चैनल्स के ऊपर अब ऐड चलाना स्टार्ट कर देंगे जो कि मोनेटाइज्ड हैं, या इवन अगर वो मोनेटाइजेशन उनकी आन भी नहीं है तो हम उनके ऊपर एड्स चलाएंगे। जितनी भी हमारे एड्स की मदद से जितनी भी अर्निंग होगी वो यूट्यूब खुद रखेगा, ना कि हमें देगा। दोस्तों, ये थी एक यूट्यूब की तरफ से अपडेट, जो कि एड्स के हवाले से आपने परेशान नहीं होना कि यकदम हमारे चैनल के ऊपर ऐड आना स्टार्ट हो चुके हैं, हमारी मोनेटाइजेशन आन हो गई या क्या है। इस तरह की कोई भी पॉलिसी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब ये अपने लिए कर रहा है, ना कि हमारे लिए।